नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। राहुल गांधी पर लगाए गए मानहानि मुकदमे पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सांसद सदस्य एवं सजा पर लगाई रोक। सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। चौबारा धीरा बस स्टैंड पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर एवं एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मनाया जश्न। चौबारा धीरा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी पर लगे मानहानि मुकदमे पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा संसद सदस्यता की बहाली एवं सजा पर रोक लगाने पर आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। इस अवसर पर किशोर सिंह पाटीदार, रमेश चंद पाटीदार, टोला राम यादव, लोकेन्द्र सिंह गोयल, धीरज सिंह सालमखेड़ी, विक्रम सिंह बामनिया, दिलीप मानवी, लक्ष्मी नारायण पाटीदार, बाबूलाल पांडे, विजय पाल सिंह गोयल, मुकेश कारपेंटर, जीतेन सिंह सेंधव, मनोहर लाल सेंधव, मेहरबान मालवी, दीपक चौहान, आयुष नायक, लोकेन्द्र गुर्जर, मुहम्मद खान, सादाब शेख, बाबूलाल पांडिया, राहुल वाडिया आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस से इकबाल पटेल की खास रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की जीत हुई है। निचली अदालतों ने जो उन्हें 2 वर्ष का कारावास दिया था, जिसके कारण सांसद की सदस्यता उनकी ख़त्म हुई थी, आज वो बहाल हो गई है। झूठे प्रकरण इस सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं और अपने दबाव के कारण गलत फैसले कोर्ट से करवाए जा रहे हैं। हम इन झूठे प्रकरणों की घोर निंदा करते हैं और कांग्रेस पार्टी की आज जो विजयी हुई है उससे पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ बड़ी खबरों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।